नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। इससे पहले कि इस विश्लेषण की शुरुआत की जाए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का यह हंसलेषण देख लेते हैं। आइए देखते हैं पाकिस्तान का यह लौंडा इतना खुश क्यों है। क्या बात है खान साहब, आप तो यानी क्या बात है खान साहब, आप तो यानी देखिए, पाकिस्तान का यह पहला पीएम है जो आम के बगीचे पे खड़ा होकर आड़ू के अचार की रेसिपी तैयार कर देता है। इसकी हंसी के पीछे उसी रेसिपी की सफलता छिपी हुई है। जब दुनिया कोरोना वायरस से त्राहिमाम कर रही है, यह उस औरत की तरह खिलखिला रहा है जिसे मुल्ला जी फटा तहमंद पहन के निकाह करके लाया है। 23 करोड़ में से 9 करोड़ आबादी अनाज के एक दाने को मोहताज हो चुकी है। खजाना खाली है। अधिकारियों को कर्जों की किस्तों में छूट देने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। इस मुल्क के पास केवल 1700 वेंटिलेटर बचे हैं। अगर इस देश का पीएम इस तरह खिलखिलाएगा तो समझा जा सकता है कि मदरसा कौम किस तरह के नमूने पैदा करती है। आज इमरान लोंडे की यह हंसी तहमंदबाजों की तस्रीफ पर नस्तर बनकर चुभ रही है। इसी कप्तान की आवाज पर इन्होंने डी चौक पर टोपियों में बिरयानी छिपाकर खाई थी, पर आज यहां पर डी चौक नहीं है, बल्कि मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद, लाहौर से हैदराबाद तक बिखरी तब्दीली सरेआम दिखती है, जहां टोपीबाज और उनकी बेगम भूखे बच्चों के साथ उसी बिरयानी की तलाश में है जिसे मुल्ला जी टोपी में बचाकर डी चौक से लाए थे। लेकिन लोंडा हंस रहा है। इसकी हंसी इस बात का प्रतीक भी है कि इसने आड़ू के अचार की रेसिपी के साथ जनता को भी आड़ू बना दिया है, जहां पर इसकी तब्दीली बढ़िया से कचूमर निकाल रही है। शायद मदीना की रियासत में यही होता है, क्योंकि एक मुल्ला द्वारा दूसरे मुल्ला की बेबसी पर हंसना ऐसी रियासतों में दिख सकता है, पर मुल्लाओं की रियासत में और भी बहुत कुछ होता है जिसे सुनकर आप सन रह जाएंगे। यह वीडियो इसलिए भी देखना जरूरी है क्योंकि सेकुलर की पतंग बनाकर जो लोग हवा में गोते लगाते हैं, उनकी नींद शायद खुल जाए। आइए देखते हैं इस टोपीबाज का यह वीडियो, जिसमें यह कोरोना के साथ कुरान को भी बढ़ावा दे रहा है। लाइक और खुशखबरी आपको दूं, अभी मुझे मैसेज आया, हमारा फैजान मदीना में जो वेलफेयर का काम हो रहा है, जो राशन पैकिंग हो रही है, थोड़ी देर पहले गैर मुस्लिम वहां पर आए और राशन लेने वो आए थे। हमारे इस्लामी भाई ने उन पर इंफरादी कोशिश की, कलमा पढ़कर वो मुसलमान हो गए। उनका नाम मोहम्मद रमजान रखा गया और मुझे बड़ी अच्छी बात ये लगी कि अभी थोड़ी देर पहले उनका मैसेज ये आया कि उन्होंने आज सहरी भी कर ली है और पहला रोजा भी रखेंगे। तो ये है आपकी दावत इस्लामी, राशन भी दे रही है और इसकी कोशिशों से लोगों को ईमान भी मिल रहा है। जिसके घर खाना पहुंचा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उसे नमाजी भी बना दे, उसे इल्म दीन भी पहुंचाएं, उसे सुन्नतों का पाबंद बनाएं। तो क्यों ना दावत इस्लामी के जरिए मुसलमानों की मदद करें। तो अपने एहतियात में, अपने डोनेशंस में इस बार आपने दावत इस्लामी को जरूर याद रखना। इंशाल्लाह हो सकता है कल के प्रोग्राम में वो जो रमजान भाई हमारे नए मुसलमान हुए हैं, उनका कोई ऑडियो या वीडियो क्लिप भी हम आपको दिखाएंगे। जनाब, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से कोई ना कोई सीख जरूर मिली होगी। इसी के साथ अनुमति। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।